डीएच इकर ने बहुत खूब कहा है, एनर्जी इज कॉन्टेजियस, आइदर यू अफेक्ट पीपल और यू इन्फेक्ट पीपल, मतलब ऊर्जा संक्रमण, या तो आप लोगों को प्रभावित करते हैं या आप लोगों को संक्रमित करते हैं। तो सोचिए आप और मैं अभी क्या और क्या बनना चाहते हैं, वर्तमान और भविष्य इसी सोच को याद दिलाता है। मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सभी का साधुवाद और शुरुआत करता हूँ आज के इस टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी एंड देयर रिसोर्सेज। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्टार्ट की थी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मतलब समझा था। इंजीनियरिंग को जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग में यूज किया जाए तो उसे क्या कहते थे अपन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके बाद उसकी इंपोर्टेंस पढ़ी, उसका बैकग्राउंड पढ़ा, उसके फादर पढ़े, एग्रीकल्चर में क्यों जरूरत पड़ी वो सब कुछ पढ़ा, फार्म मैकेनाइजेशन पढ़ी, इंडिया में कितना परसेंट फार्म मैकेनाइजेशन होता है, यूएस में कितना होता है, याद आ रहा है इंडिया में कितना होता है 42%। उसके बाद अपन एनर्जी पढ़ा, एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी के टाइप्स पढ़े दो प्रकार के, काइनेटिक मतलब मोशन के कारण एनर्जी, पोटेंशियल मतलब रिजर्व के कारण एनर्जी। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि एनर्जी को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसका मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका मतलब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, थर्मल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्रीकल्चर के अंदर अपन एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, दो प्रकार से यूज करते हैं, डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी हो गई एटसेट्रा, जबकि इनडायरेक्टली मतलब जैसे फर्टिलाइजर के रूप में आ रहा है, पेस्टिसाइड के रूप में अपन यूज कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली सोर्स हो गया। तो यहाँ तक का अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। अच्छा चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो शब्द दिख रहे हैं आपको, एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी। इन दो शब्द का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी किससे मिलती है। क्या आपको पता है कि आपकी और हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एक सन सूरज की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, प्लांट्स की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्या सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो इस प्रकार की सारी बातों की जानकारी आज अपन डिटेल से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एनर्जी एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में क्या अंतर होता है। तो हमको पता है एनर्जी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल से जैसे केमिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी किसके रूप में है, केमिकल के रूप में। लाइट एनर्जी मतलब एनर्जी किसके रूप में है, लाइट के रूप में। विंड एनर्जी मतलब एनर्जी किसके रूप में है, विंड मतलब हवा के रूप में। दूसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब कि एनीथिंग विच जनरेट्स एनर्जी, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो एनर्जी को उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया अपन तो सन, सन क्या एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल है, सन है, प्लांट्स है, विंड है, सी है, वाटर है, फ्यूल्स अपने आप में, फ्यूल्स, पेट्रोल, कोल, गैस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी के। चलो अपन इसको एक बहुत सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक नीचे पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है, देखो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, अब अपने को पूरा क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी क्या होती है और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। देखो सोर्स वन के ऊपर जाते हैं सन, सन अपने को पता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल है। देखो सन से क्या निकलती है, आउटपुट निकलता है, क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है, लाइट निकलती है। तो इस लाइट किस रूप में निकल रही है, वो सोलर एनर्जी के रूप में या लाइट एनर्जी रूप में। इस लाइट को कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स इस लाइट को कैसे लेते हैं, एज ए इनपुट के रूप में लेते हैं, और इस लाइट को उपयोग करके वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और फूड में क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और ये फूड को कौन यूज करता है, ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, मतलब मनुष्य जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एज ए इनपुट उस फूड को यूज करते हैं। और उस फूड के अंदर क्या होता है, उस फूड के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। जब वो केमिकल एनर्जी मनुष्य खाते हैं तो उस केमिकल एनर्जी से क्या होता है, आउटपुट निकलता है, और उस आउटपुट के रूप में मनुष्य क्या करता है, वर्क, मतलब कोई भी कार्य को संपादन करने की उसमें शक्ति आती है। अब वर्क एज ए इनपुट क्या निकलता है, वो एज ए मैकेनिकल एनर्जी के रूप में वर्क निकल सकता है या काइनेटिक एनर्जी के रूप में वर्क निकल सकता है। क्या अब आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों है, इस क्वेश्चन मार्क का ये है कि क्या मनुष्य जो वर्क कर रहा है उससे क्या आगे और भी एनर्जी जा सकती है, बिल्कुल। यदि उस वर्क से मैकेनिकल एनर्जी करे, एग्जाम्पल के रूप में बदलते हैं, अपन चारा काटने वाले मशीन होते हैं, उस चारा काटने वाले मशीन को अपन क्या करते हैं, हाथ से चलाते हैं, तो अपन हाथ से वर्क कर रहे हैं, वो क्या रहा है, वो वर्क कट हो रहा है, वर्क होने से क्या हो रहा है, वो चारा कट रहा है। तो उस एनर्जी को अपन मैकेनिकल एनर्जी यूज भी कर सकते हैं, काइनेटिक मतलब मोशन में यूज कर सकते हैं,
तो इस प्रकार से यहां इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि देखो कौन कौन सोर्स ऑफ एनर्जी है और कौन एनर्जी है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, क्या सन सोर्स ऑफ एनर्जी है? बिल्कुल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि ये प्लांट को एनर्जी दे रहा है। तो प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे अपन? सन को कहेंगे। प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे अपन? सन को कहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य या मतलब ह्यूमन बींग या मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे? प्लांट को कहेंगे। इसी प्रकार प्लांट मनुष्य के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन प्लांट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सन को एनर्जी किससे मिल रही है? तो सन को एनर्जी मिलती है वहां पर होने वाले केमिकल रिएक्शन से। तो वहां पर जितनी भी प्रकार की न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर बहुत सारे विखंडन होते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी सन एज ए इनपुट लेता है और आगे ट्रांसफर करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंशिएट समझ में आया होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो गाड़ी होती है, जो मोटरसाइकिल होती है, उन सबका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? जी हाँ बिल्कुल, उन सबका सोर्स ऑफ एनर्जी होती है फ्यूल, जो उसके अंदर अपन पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, जिससे क्या इंजन एनर्जी प्रोवाइड करता है और वर्क संपन्न होता है, जिससे गाड़ी चलती है। क्या आपको पता है कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे जनरेट होती है? उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होती है कोयला। कोयले को जलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्टीम जनरेट होती है। स्टीम से क्या होता है कि टरबाइन चलते हैं और टरबाइन से जनरेटर लगा होता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आती है। तो इस तरीके से आप सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी के बीच में डिफरेंशिएट समझे होंगे कि मनुष्य के लिए, आप पर, आपके लिए, मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी फूड है। प्लांट्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट्स है। इस तरीके से हम क्लियरली एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन थोड़ा और इसको क्लियर समझते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है, इस डेफिनेशन को अभी अपन नहीं समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता चली गया है कि ह्यूमन बींग मतलब यानी मनुष्य के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड है। इसी प्रकार मशीन, व्हीकल्स, इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोल एंड डीजल है। कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है? कि बॉडी बर्न्स द फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नारंगी है, नारंगी को मैं खाऊंगा, नारंगी मेरे बॉडी के अंदर गई, नारंगी के अंदर क्या है? एनर्जी। एनर्जी किस रूप में है? केमिकल के रूप में। जब मैं इसको खाऊंगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी? इसको बर्न करेगी, केमिकल को बर्न करेगी, और उससे क्या है जनरेट होगी? उससे एनर्जी जनरेट होगी। उस एनर्जी से क्या होगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इतने सारे फंक्शंस कर रहा हूँ, तो ये एनर्जी मेरे को किससे मिल रही है? इस केमिकल एनर्जी से मिल रही है। इसी प्रकार देखो जो ये इंजिन होते हैं, इंजिन कैसे काम करते हैं? जब पेट्रोल डीजल डालाता है तो इंजिन इसको जलाते हैं, जिससे क्या होता है? फ्यूल जलने से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो चलते हैं। अब मैं आपसे एक सामने एक सवाल रख रहा हूँ। देखो क्या है, क्या मोटिवेशनल पावर, आप समझ पा रहे हैं अभी? मोटिवेशनल पावर इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या आपके लिए मोटिवेशनल पावर परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो इसका आंसर है नहीं। मोटिवेशनल पावर कभी भी परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती है, ये सिर्फ टेम्परेरी बेस में होती है। इसी पर लिए तो अपन इतने सारे मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, मैं भी आपको समझाता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर क्या होता है? नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखो, अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कन्वीनियंट फॉर्म। देखो इस कन्वीनियंट फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा इसको रिशफल करते हैं, इसको वाइस वर्सा करते हैं। देखो यदि मनुष्य फूड की जगह क्या ले? एक गिलास पेट्रोल पी ले, जबकि मशीन जो व्हीकल उसमें क्या करे अपन? एक गिलास इस नारंगी का जूस डाल दे, तो क्या सेम वर्क होगा? क्या गाड़ी चलेगी? क्या अपन को एनर्जी मिलेगी? नहीं साहब, ऐसा कर मत लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न तो आपकी गाड़ी चलेगी, न आपको उस पेट्रोल के पीने से आपको एनर्जी मिलेगी, तबीयत तो और खराब हो जाएगी, पेट वेट में अल्सर वल्सर पड़ जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जिस सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत जिस फॉर्म में होती है, उसी फॉर्म में यदि मिले तो ही वर्क संपादन होता है, तो ही वर्क होता है, अदरवाइज वर्क वो नहीं करती है। तो देखो डेफिनेशन आप पढ़ो, टू प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कन्वीनियंट फॉर्म। कन्वीनियंट फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में मिले। फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब लंबे समय तक उसको दिए जा रही है। मोटिवेशनल पावर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए उसको एनर्जी सोर्स नहीं कहते हैं। अगर शुद्ध देशी भाषा में कहें तो एनी थिंग
फ्रॉम विच वी गेट ए एनर्जी टू वर्क, कोई भी ऐसी चीज जिससे अपन एनर्जी प्राप्त करते हैं कार्य करने के लिए। तो ये सब बातें हो गई सोर्स ऑफ एनर्जी की। हमें ये तो पता पड़ गया कि एनर्जी सोर्स क्या होता है, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक अच्छा एनर्जी सोर्स क्या होता है। तो देखो कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए कि अच्छे एनर्जी सोर्स की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम के अंदर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जो एनर्जी एक सिलेंडर एक महीने में देता है, वही एनर्जी प्राप्त करने के लिए कम से कम 40 से 50 किलो लकड़ी जलानी पड़ेगी। इसका मतलब बेस्ट कौन हुआ, सिलेंडर में जो है उपस्थित गैस। दूसरा है वो चीप एंड इजीली अवेलेबल, मतलब सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, देखो स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ तो उस एनर्जी का क्या मतलब, जैसे दुबई में अगर एनर्जी को रिलीज होती है और अपने को इंडिया में यूज है, अगर पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है या ट्रांसपोर्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो एनर्जी खराब है। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट उसमें प्रॉपर होना चाहिए। इजी टू सेफ हैंडल एंड यूज, मतलब हैंडल टू यूज बिल्कुल सेफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क हो, हार्मफुल रिस्क हो। और लास्ट कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये सारी क्या चीजें होती है, सारी विशेषताएं होती है एक अच्छे एनर्जी सोर्स की, और हमें ध्यान रखना चाहिए इन सारी बातों का। तो लास्ट में मैं जाते जाते आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो घरों में आपकी लाइट आती है उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मुझे पता करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन कोशिश की सिंपल फॉर्म समझाने की, फिर भी समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा आप देखिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस को पूरी तरह कवर करेंगे। तो साथ में बहुत बहुत आपका धन्यवाद।